अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से एक एफिलिएट पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो लास्ट वीडियो में रह गई थी वो ये कि जब भी हम कोई चेंज करते हैं फाइल में तो हमें कमिट करना पड़ता है। कमिट करके उसके बाद यहाँ से रिपोजिटरी में पुश करना होता है, उसके बाद चेंजेस अप्लाई हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद पोस्ट किस तरीके से करनी है, आपने यहाँ पर जाना है न्यू ब्लॉग, और सबसे पहले टाइटल, ये वो टाइटल है जो यहाँ पे शो होता है। उसके बाद स्लग, स्लग बेसिकली यूआरएल होता है, तो यहाँ पे आप अपना एसईओ फ्रेंडली यूआरएल एंटर करेंगे। उसके बाद एसईओ टाइटल, एसईओ टाइटल वो होता है जो गूगल में शो होता है, तो ये टाइटल हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन, तो मेटा डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल के तौर पर इसे ऐड कर देते हैं। उसके बाद आपकी फीचर्ड इमेज, तो इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे फीचर्ड इमेज लगा देते हैं। उसके बाद पब्लिश डेट, मॉडिफाइड डेट, ये ऑटो फेच हो जाती है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, ये टेबल ऑफ कंटेंट है। और उसके बाद राइटर, नेक्स्ट वीडियोस में हम सीखेंगे कि आप किस तरीके से राइटर ऐड कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी, ये भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में सीखेंगे कि हम किस तरीके से कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ये है रेटिंग स्कीमा, तो रेटिंग स्कीमा के बारे में शायद आप जानते होंगे। बेसिकली ये चीज़ है, ये वोटिंग स्कीमा, तो यहाँ तो आप जितने चाहें यहाँ पे रेटिंग सेट कर सकते हैं, जैसे कि 100 कर लेते हैं। न्यू पोस्ट में वैसे रिकमेंडेड है कि आप एक ही रखें, ज़्यादा रखें तो हो सकता है गूगल ना शो करवाए। उसके बाद बिफोर बॉडी, बिफोर बॉडी वो कंटेंट है जो टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर शो होता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे ऐड कर देते हैं। इसको स्टार्ट फ्रेगमेंट को और एंड फ्रेगमेंट को रिमूव कर देंगे। उसके बाद अगर आप किसी चीज़ को बोल्ड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, या लिंक ऐड करना चाहते हैं, या हेडिंग वगैरह। उसके बाद प्रोडक्ट टेबल टाइटल, ये बेसिकली ये वाला टाइटल होता है। और उसके बाद बॉडी, बॉडी टेबल के नीचे यहाँ पे शो होती है अगर आप यहाँ पे कोई कंटेंट ऐड करें तो। उसके बाद प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट बेसिकली ये हैं, आप सबसे पहले प्रोडक्ट का टाइटल कॉपी करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट की इमेज, उसके बाद प्रोडक्ट का लिंक, उसके बाद प्रोडक्ट की बॉडी, उसके बाद प्रोज ऐड करेंगे। तो हमारे 3 प्रोज हैं, 1 2 3। सेकंड वन और ये थर्ड वन। उसके बाद कॉम्स ऐड करेंगे, ओपी पेस्ट। उसके बाद स्पेसिफिकेशन टेबल, फॉर एग्जांपल हम 5 वैल्यूज ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये पैरामीटर है। उसके बाद ये वैल्यू पैरामीटर, और ये वैल्यू, उसके बाद आफ्टर बॉडी बेसिकली कंक्लूजन होता है। तो यहाँ पे हम ये क्लोजिंग थॉट्स ऐड कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद ये साइड बार है, फर्स्ट में से चाइल्ड रिमूव कर देंगे और इसे ऐड कर देंगे। उसके बाद सेकंड वन में प्रोडक्ट ऐड कर देंगे,
और जितनी आपकी प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद एडिटर चॉइस ये, और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज सेलेक्ट करेंगे, साइड बार का लिंक, सॉरी ये लिंक टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट प्रोडक्ट का नाम होगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे कर देंगे पब्लिश। तो आप लोग देख सकते हैं कि आर्टिकल हमारा पोस्ट हो गया, और जैसे हमने पोस्ट किया था बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही है, और इसको पोस्ट करना काफ़ी आसान है। टेबल वगैरह खुद जनरेट हो जाता है, और अगर इसके स्कीमास वगैरह को देखा जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कीमाज हैं जो ऑटो जनरेट हो रहे हैं। ये एक इश्यू आ रहा है क्योंकि वो एग्जाम्पल हमने दी हुई है साइट टाइटल की, तो इसे इग्नोर कर देते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि स्कीमा बिल्कुल एग्जैक्ट शो हो रहा है। इसके अलावा ये रेटिंग स्कीम है, और साइट नेविगेशन स्कीमा, FAQ पेज स्कीमा, न्यूज आर्टिकल स्कीमा। तो उम्मीद है आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।